हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चारू जैन। वेलकम टू DPSC लर्नर्स। तो बात करेंगे आज हम डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट इन चिल्ड्रन, जो कि आपका DPSC सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। उसका मैंने आप लोगों के साथ मॉक टेस्ट शेयर किया था, और मॉक टेस्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कवर करा दिया था। ये आपका 75 मार्क्स का पेपर है, आप सबको पता है, और 2.5 घंटे मिलेंगे आपको उसको करने में। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चन। इसमें आपको 5 ही करने होते हैं और 5 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन होता है एक, यानी टोटली आपका पार्ट 25 मार्क्स का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रिएट अ थीम बेस्ड प्लान ऑन ट्रांसपोर्ट। आपको एक थीम बेस्ड प्लान बनाना है ट्रांसपोर्ट पे। तो थीम बेस्ड प्लान कौन सा होता है जिसमें 6 डोमेन्स आप कवर करोगे, जैसे कि लैंग्वेज और आपका सोशो इमोशनल, आपका अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, फिजिकल मोटर, आर्ट एंड एस्थेटिक्स और एक और डोमेन। तो सारी 6 के 6 डोमेन्स आप इसमें कवर करोगे। आपको लेसन प्लान बनाना है। तो जैसे मैंने आपको आंसर शीट दिखाई थी अपनी एनवायरनमेंट की प्री फाइनल्स की, तो उसमें मैंने एक थीम बेस्ड लेसन प्लान बनाया था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि टॉपिक उसमें क्या था, बट आप उससे आइडिया ले सकते हो। अगर आपको प्रॉपर आइडिया लेना है तो आप पूरा लेसन प्लान की तरह ही बनाएंगे और सारी थीम्स लिखकर और उसके आगे आप लिख दोगे कि आपको ये आप ये कराओगे उस थीम के अकॉर्डिंग। तो ये आपका 5 नंबर में आया। तो अगर आपको लगे कि आपकी मतलब लेसन प्लान की लेंथ मतलब थोड़ी कम है या कम मैटर लगे, तो आप शुरू में थीमेटिक लेसन प्लान या थीम बेस्ड लेसन प्लान का मतलब बता सकते हो, एक पेज में डिफाइन कर सकते हो, इंट्रोडक्शन दे सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स एंड इट्स लिमिटेशंस। सो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होता है? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स वो होता है जो स्कूल के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये कॉन्फिडेंशियल होता है, मींस ये सिर्फ ऑफिशियल्स के पास ही होता है। और दूसरी चीज़, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में आपका सारा डाटा होता है, जैसे कि आपका हेल्थ रिकॉर्ड, आपका एडमिशन रिकॉर्ड, और आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, हर क्लास में कितनी परसेंटेज वगैरह आई है, जो भी मतलब सारा आपका जो ऑफिशियल डाटा होता है वो सारा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में स्टोर होता है। अब अगर मैं बात करूँ उसकी लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस की क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स की यही होगी कि अगर ये बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया तो इसका पर्पस फुलफिल नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर लोगों ने या फिर टीचर्स ने कभी जैसे किसी पेरेंट्स को शेयर कर दिया, बट ये चीज़ तो कॉन्फिडेंशियल होती है, तो भी इसका पर्पस पूरा नहीं होगा। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि इसको हम मतलब स्कूल वाले इसको कॉन्फिडेंशियल ही रखते हैं। अब मैं बात करूँ, राइट द सिग्निफिकेंस एंड पर्पस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना, हमेशा असेसमेंट का क्वेश्चन आता ही आता है। और असेसमेंट की मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी और आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग लेनी है इस टॉपिक की, तो आप वीडियो को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट एक ऐसा मेथड होता है जिससे आप बच्चे को असेस करते हो, मींस बच्चे को देखते हो कि उसको कितना आता है और आपने जो सिखाया है वो एक्चुअली वो लर्न कर पा रहा है या नहीं। ये हो गया मेरा असेसमेंट। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी कि मुझे पता चलेगा कि बच्चे का लेवल कहाँ है, बच्चा कितना ग्रैप कर रहा है, बच्चा कितना समझ रहा है। और पर्पस क्या होगा इसका, कि ताकि मैं बच्चों को लर्न करा सकूं, बच्चों को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकूं, मास्टरी करवा सकूं बच्चों को। तो ये होते हैं कुछ पर्पस। तो सिग्निफिकेंस, पर्पस और डेफिनेशन पूरा प्रॉपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो एक बार चेकआउट कर लेना। अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द मीनिंग ऑफ थीमेटिक अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग, राइट इट्स सिग्निफिकेंस एट प्राइमरी लेवल। आपको थीमेटिक अप्रोच का मतलब बताना है, डिफाइन करनी है, और उसका सिग्निफिकेंस लिखना है प्राइमरी लेवल पर। तो हमारी थीमेटिक अप्रोच क्या होती है, हम सब इससे फेमिलियर हैं, हम सबको पता है। थीमेटिक अप्रोच होता है जैसे कि एक थीम, सपोज मैंने ली प्लांट्स, तो प्लांट्स की थीम है मेरी और वो पूरी मेरी 1 महीने चलेगी, और उसके अंदर मैं
डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स को कवर करूँगी. डिफरेंट डोमेन्स को कवर करूँगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा मेरा प्राइमरी लेवल पे, कि मैं बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट करा रही हूँ, बच्चे की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग करा रही हूँ, बच्चों की सारी चीज़ों पे ध्यान रख रही हूँ, बच्चों के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रही हूँ. तो ये होगा मेरा सिग्निफिकेंस. ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और आता है थीमेटिक अप्रोच हमेशा. अब पढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डाइवर्सिटी कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट. आप डाइवर्सिटी को यानी विविधता को कैसे यूज़ करोगे एक रिसोर्स की तरह, एक साधन की तरह, कि उससे आप बच्चों की एनवायरनमेंट की, मतलब बच्चों के अंदर एनवायरनमेंट की, वातावरण की अंडरस्टैंडिंग बनाओगे, समझ बनाओगे. तो वो कैसे होगा कि डाइवर्सिटी है अगर मेरी क्लास में और बच्चे अलग अलग रीजन से आए हुए, कोई नॉर्थ से है, कोई साउथ से है, कोई वेस्ट से है, और मुझे इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग देनी है, तो मैं बच्चों को डिबेट करा सकती हूँ, बच्चों से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकती हूँ कि आप पहले मुझे नॉर्थ के सारे उसके बारे में बताओगे कि नॉर्थ का वेदर कैसा होता है, नॉर्थ का क्लाइमेट कैसा होता है, नॉर्थ में कौन कौन से फ्रूट्स खाए जाते हैं. फिर एक बच्चे से पूछूंगी साउथ वाले से. तो जब मैं एक क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगी तो बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा समझ बनेगी इस चीज़ की, और इसको मैं एक रिसोर्स की तरह भी यूज़ कर लूँगी. तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन. अब छठा मैं करा देती हूँ, एक बार समझा देती हूँ. बाकी ये चॉइस है, पूरा ऑप्शनल है. हाईलाइट द सलाइंट फीचर्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इन सपोर्टिंग अर्ली चाइल्डहुड स्टूडेंट्स. आपको इसमें पूरा NCF बताना है. NCF मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है और मैंने कराया हुआ भी है. तो अब बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 4, दैट आर लॉन्ग क्वेश्चंस. अब लॉन्ग क्वेश्चंस है यानी ये 10 मार्क्स वाले हैं. इनमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और अच्छे से करने हैं क्योंकि थोड़े स्कोरिंग हैं. अब बढ़ते हैं, आपको इसमें भी 3 करने हैं और आपको मैंने 4 दिए हुए हैं. तो एक पूरा ऑप्शनल है, जो आपको नहीं आता वो आप छोड़ देना अभी के लिए, बाद में उसको रिवाइज कर लेना. अब बढ़ती हूँ इसका फर्स्ट क्वेश्चन. एलिसिडेट द इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज विद लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी बार काफ़ी लोगों ने पूछा है कि मैम ये टॉपिक करा दो. ये टॉपिक मैंने इसलिए नहीं कराया था, लेकिन करा दूँगी एक बार वर्बली, थरली किसकी क्लास ले लूँगी. लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं कराया था क्योंकि इस टॉपिक में एज सच मेरे लिखवाने वाला कुछ नहीं है. ये आपका पेडागोजिकल टॉपिक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है. तो इसमें मैं समझाती हूँ. क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ को लैंग्वेज और मैथ से. मीन्स आप EVS पढ़ाते पढ़ाते बच्चों की लैंग्वेज भी कैसे इम्प्रूव करोगे और मैथ्स भी कैसे इम्प्रूव करोगे. मैं एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे मैं बच्चों, मैंने इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल अपने एनवायरमेंटल की आंसर शीट में लिखा हुआ है. अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो आप एक बार वाली वीडियो चेकआउट कर लेना प्री फाइनल्स की. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन आया था मेरे प्री फाइनल्स में भी. तो एक बार और, अब मैं नया एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो वाला नहीं दे रही हूँ. अब जैसे कि मुझे बच्चों को लैंग्वेज भी करानी है और एनवायरमेंट भी कराना है, पहले दो लेके चलते हैं. तो जैसे जब मैं बच्चों को एनवायरमेंट का लेसन पढ़ा रही हूँ, तो लेसन पढ़ाते पढ़ाते मैं बच्चों से स्पेलिंग भी करवा सकती हूँ. स्पेलिंग भी मीन्स डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करा कर बच्चों को लर्न करा सकती हूँ. या फिर अब मैथ्स करानी है एनवायरमेंट के साथ और नर्सरी क्लास है, तो मैं ऐसे करा सकती हूँ कि जैसे मैंने ट्रीज बना दिए और मैंने बोला बच्चों को काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ट्रीज. बच्चों काउंट करेगा और मैं बच्चों को बताऊंगी ये ट्रीज हैं, ट्रीज से हमें ये मिलता है, और इवन मैं उसमें कलर भी करवा सकती हूँ. तो इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन. और इंटीग्रेशन हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं और इंटीग्रेशन से हमारे बहुत फ़ायदे होते हैं. आई होप ये समझ आ गया होगा. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनवायरमेंटल एजुकेशन कनेक्ट्स अस to the world around us. Justify this statement with example. आपको बताना है कि जो environmental education है वो हमें पूरे world को के through और world के साथ connect करती है. तो आपको इस statement को justify करना है, यानी किस हद तक ये statement relevant है और सही है, और आपको एग्जाम्पल भी देना है. तो एनवायरमेंटल एजुकेशन हम सबको पता है, अगर हम EVS साइंस पढ़ते हैं तो हम पूरे वर्ल्ड से अवेयर रहते हैं.
ये सबको पता है, आप एग्जांपल दे सकते हो कि ई वेस्ट में हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर हायर लेवल की मैं बात करूँ तो आप लेवल वाइज इसमें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। आपका है डिस्क्राइब द डिफरेंट चाइल्ड असेसमेंट मेथड्स। आपको चाइल्ड असेसमेंट मेथड्स को डिस्क्राइब करना है। तो चाइल्ड असेसमेंट मेथड्स कौन कौन से होते हैं, आप बच्चों को कैसे असेस करोगे? फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव, CCE, किस पैटर्न पे आप असेस करना चाह रहे हो, या फिर बच्चे का आप रिकॉर्ड चेक कर रहे हो पुराने, क्या कर रहे हो आप, किस मेथड से बच्चे को देख रहे हो, वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ूँ तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हम सबको पता है, और मैंने भी इसकी वीडियो बनाई हुई है। एनेक्डोटल्स में बच्चे का सारा एक ब्रीफ हिस्ट्री होती है पूरे इंसिडेंट की, कुछ भी बच्चे की लाइफ में होता है या जो भी अचीव कर रहे हैं, सब कुछ हम एनेक्डोटल में लिखते हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब बच्चे के बारे में हम कहाँ कहाँ से पता लगा सकते हैं। तो बच्चे के बारे में हम बच्चे के काम से ही पता लगा सकते हैं, और अगर मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ तो मैं टीचर्स की डायरी देख सकती हूँ कि वो बच्चों के बारे में जब रिमार्क्स देती हैं, या पेरेंट्स से पूछ सकती हूँ, पेरेंट्स भी होते हैं। तो ये हमारा सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, आपको सब अलग अलग बताना होगा। तो ये था हमारा पूरा एनवायरनमेंट का मॉक टेस्ट। आई होप आप सब ने इसको ट्राई कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। अगर किसी ने अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। देन अगर आपको मुझसे चेक कराना है, अगर आप चाहते हो मुझसे चेक कराना, मैं फोर्स नहीं करूँगी, तो आप मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं PDF बनाकर। मेरी मेल आईडी है charu.jain2104@gmail.com। तो आप मुझे इस पे मेल कर सकते हैं। बाकी अगर इस पे कहीं प्रॉब्लम आए, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।